मिजोरम राज्ये निर्वाचनार्थं सर्वचरणेभ्यः अथ छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाच्च पूर्वं स्वस्य दलप्रचारार्थं अद्य अंतिमः दिवसः सर्वाणि राजनीतिकदलानि प्रचारकर्मणि स्वशक्तिं प्रयोजयन्ति। नवंबर मासस्य सप्तमे दिनांके तावत् मतदानस्य समायोजनम्। पंचसु निर्वाचन परेषु राज्येषु प्रचार कार्यं चरमस्तरे अवलोक्यमानं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य सिवनी खंडवा नगरयोः कुर्यात् जनसभे। कांग्रेस दलं समेत्य सर्वेषां दलानामपि विशेष प्रचारकाः प्रबलतया कुर्वन्ति प्रचारम्। नवदिल्ल्याः भारत मंडपम् इत्यत्र समायोज्यमानस्य वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य आयोजनस्य अद्य अंतिम दिवसः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्यतनं समापन कार्यक्रमं संबोधयेत्। नेपालस्य भूकंप प्रभावितेषु क्षेत्रेषु साहाय्योद्धार कार्यम् अनारतं जायमानं। विनाशकारी भूकंपेन 50-अधिकैकशतोत्तर संख्याकाः जनाः तत्र मृताः। गाजा क्षेत्रात् बंधकानां विमोचनाग्रहमाधृत्य इज़राइल देशस्य अनेक नगरेषु जातं विरोध प्रदर्शनम्। अपरत्र संयुक्त राज्य अमेरिका देशः अपि पुनरपि गाजा क्षेत्रं मानवयुद्ध विरामार्थं कृतवान् आह्वानं। सहैव परं उक्तवान् गतं यत् युद्ध विराम कारणात् हमास इत्यस्य पुनः समूहीकरणे सहायं स्यात् लब्धमिति। अद्य क्रिकेट क्रीडायाः विश्व चषक प्रतियोगितायां दक्षिण आफ्रिका दल विरुद्धं भवेत् अद्य भारतस्य सामुख्यम्। ह्यः क्रीडितायां स्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया दलेन इंग्लैंड दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अथ ह्यः एव न्यूजीलैंड दल विरुद्धं पाकिस्तानस्य विजयात् पश्चात् दक्षिण आफ्रिका दलं उपांत्यचक्रे संप्रविष्टम्। अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। मिजोरम विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारस्य अद्य अंतिमं दिनमस्ति। प्रचारः अद्य सायं समाप्तं भविष्यति। सर्वे अपि राजनीतिक दलानि निर्दलीय प्रत्याशिनः च प्रयासरताः सन्ति। राष्ट्रीय दलानां नेतारः स्वीय प्रत्याशिनां कृते प्रचाराभियाने सम्मिलिताः भवन्ति। मिजोरम राज्ये नवंबर मासस्य सप्तमे दिनांके मतदानं भविष्यति। छत्तीसगढ़ राज्ये प्रथमचरणाय 20 विधानसभा क्षेत्रेषु निर्वाचन प्रचारस्य अद्य अंतिमः दिवसः अस्ति। तत्र नवंबर मासस्य सप्तमे दिनांके मतदानं भविष्यति। प्रथमचरणस्य निर्वाचनेषु माओवाद प्रभावित क्षेत्रेषु निर्वाचनायोजनदलानि गच्छन्ति। सुकमा जनपदे 42 संख्याकानि निर्वाचनायोजनदलानि अथ च बीजापुर जनपदे 34 दलानि विमानेन मतदानकेन्द्राणि यावत् प्रापयन्ते। छत्तीसगढ़तः निर्वाचन प्रचार कार्यम् अतिरिच्य नारायणपुरतः एका दुःखदा वार्ता समक्षमागता अस्ति। एतस्य राज्यस्य नारायणपुरे भाजपा जनपद अध्यक्षस्य रतन दुबे इत्यस्य हत्या उग्रवादिभिः कृता। सः भाजपा प्रचारार्थं कौशलनगर विपणीं प्रति गतः आसीत्, यत्र उग्रवादिनः तीक्ष्णशस्त्रेण तम् उद्दिश्य आक्रमणं कृतवन्तः। रतन दुबे इत्यस्य हत्यायाः कारणात् तत्र भाजपा कार्यकर्तृषु रोषभावाधिक्यमस्ति। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि श्री रतन दुबे जी आज कौशलनार झाझरा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। उसी दौरान जो है दो अज्ञात माओवादियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसके पश्चात उनकी वो उनकी गंभीर हालत में वो पहुंच चुके थे, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत हमारा झारा थाना से बल रवाना हुआ और यहाँ से एम्बुलेंस को हमने सूचित करके रवाना किया, जिसके पश्चात उनको यहाँ पे जिला अस्पताल लाया गया, जिसके पश्चात यहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। पंच राज्येषु प्रचार कार्यम सवेगम प्रवर्तते। मध्य प्रदेश सर्वेपि राजनीतिक दलानां मुख्य प्रचारकाः सक्रियाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रदेशे निर्वाचन प्रचारं कुर्यात्। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमंत्री मोदी भाजपा दलस्य प्रत्याशिनां समर्थने विशाल जनसभां संबोधयेत्। प्रधानमंत्रिणः प्रथम जनसभा मध्याह्ने सिवनी क्षेत्रे, तत्रैव द्वितीया जनसभा खंडवा इत्यत्र भूयात्।
छत्तीसगढ़ राज्ये प्रथमचरणस्य मतदानं दिवसद्वयानन्तरम् अर्थात् नवंबर मासस्य सप्तमे दिनांके भविष्यति। अथ अद्य भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा छत्तीसगढ़े जनसभाद्वयं कुर्यात्। एते जनसभे गोरेला पेंड्रा मरवाही जनपदस्य कोटा विधानसभायां बिलासपुर जनपदस्य मस्तुरी विधानसभायां भवेताम्। ध्येयं यत् बस्तर संभागस्य द्वादश विधानसभासनानां राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्रस्य अष्ट विधानसभासनेषु मतदानं भविष्यति। एतेषु विंशति आसनेषु पृथक् पृथक् समये मतदानं भविष्यति। एतदर्थं निर्वाचनायोगेन समयसारिणी अपि तत्र प्रस्तुता। छत्तीसगढ़ राज्यस्य विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारक्रमे ह्यः नरेन्द्र मोदी दुर्गनगरे विशाल जनसभां संबोधितवान्। जनसभायां प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भाजपा सम्बद्धं प्रशासनम् अधुना देशस्य 80 कोटितः अधिक निर्धनजनेभ्यः निःशुल्कं मासिक भोज्य पदार्थ प्रदानस्य योजनां इतोपि आगामी पञ्चवर्षेभ्यः प्रवर्धयिष्यति। सः अत्र अवदत् यत् जनतायाः प्रेमपुञ्जः आशीर्वादः च अस्मदर्थं पवित्र निर्णयार्थं सर्वदा सामर्थ्यं प्रयच्छतः। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है, पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट इत्याख्ये नेतृत्व शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः प्रतिभागम अकरोत्। स्वसंबोधने प्रधानमंत्री प्रतिपादितवान् यत् अद्य भारतं प्रत्येकं बाधादलं न्यक्कृत्य सफलतायाः नूतनान् अभिलेखान् स्थापयदस्ति। आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर वन बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्रिणा अत्र उक्तं यत् वर्षदशकैः लंबितं महिला आरक्षण विधेयकं न कदापि अभ्युपमत्वमाप्येत इति पूर्वभासते स्म, परन्तु वयम् एतां बाधामपि न्यक्कृतवन्तः। वस्तुतः नारीशक्तिवन्दनम् अद्यत्वे यथार्थस्वरूपम् अवाप्तवत् इति अस्मत्तोषाय। हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे। साथियों, परसीव्ड बैरियर्स का एक और उदाहरण है महिला आरक्षण बिल। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन अब ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज एक सच्चाई है। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान स्थले वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य समापन सत्र मध्ये राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू संबोधयेत्। कार्यक्रमे केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करणोद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करणोद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपि उपस्थितौ स्याताम्। अस्मिन् आयोजने न केवलं देशस्य अपि तु आविश्वात् खाद्योत्पादान् सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं भारतं विश्वस्य खाद्यकेन्द्रमिति रूपेण प्रदर्शनस्य अस्ति।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ श्वः मुंबई नगरं प्रति गतः स्यात्। स्वीयैक दिवसीय यात्रायां उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं बॉम्बे इत्यत्र गच्छेत्, यत्र सः संस्थानस्य छात्रैः संकाय सदस्यैः च सह संवादं कुर्यात्। इज़राइल हमास संघर्ष मध्ये इज़राइल देशे एव बेंजामिन नेतन्याहू इत्येनं विरुध्य जनाः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। इज़राइल देशस्य प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यस्य आवास समक्षं प्रदर्शकारिणः एकत्रिताः अभवन्। हमास द्वारा गाज़ा इत्यत्र बद्धजनानां परिवारैः प्रशासनम् आलोचितम्। तेषां परिवारजनैः स्वजनान् गृहं प्रत्यानेतुं याचना विहितास्ति। तैल अवीव इत्यत्र सहस्रशः जनाः बद्धजनानां चित्राणि प्रदर्शयन्तः तान् मोचयितुम् आग्रहं कृतवन्तः। नेपालस्य भूकंप प्रभावितेषु क्षेत्रेषु साहाय्योद्धार कार्यम् अनारतं जायमानमस्ति। तत्र विनाशकारी भूकंपेन 50 संख्याकाः जनाः मृताः। भूकंप कारणात् रकुम पश्चिम भागे जाजरकोट क्षेत्रे अधिक संख्यायां जनाः मृताः। अनेके ग्रामाः संपूर्णतः ध्वस्ताः आलक्ष्यन्ते। अद्य अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्व चषक प्रतियोगितायां भारतीय दलस्य सामुख्यं दक्षिणाफ्रिका दलं विरुद्धं भवेत्। उभाभ्यामपि दलाभ्यां प्रतियोगितायाः एतस्याः उपान्त्यचक्रे प्रवेशः प्राप्तः अस्ति। अतः अद्यतनी स्पर्धा दलद्वयार्थमेव क्रीडायां स्वसाम्प्रतिक प्रदर्शनस्य प्रभुत्वोपस्थापनार्थं वैशिष्ट्यं भजेत। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्व चषक प्रतियोगितायाः ह्यस्तन प्रथम क्रीडायां पाकिस्तान दलेन 21 धावनांकैः विजयः प्राप्तः। पूर्वं क्रीडता यद्यपि न्यूजीलैंड दलेन 2,400 धावनांक रूपं विशालं विजयलक्ष्यं निर्धारितम् आसीत्, परन्तु लक्ष्यानुसरणक्रमे पाकिस्तान दलेन डकवर्थ लुईस इत्याख्य नियम आधारेण अन्ततः न्यूजीलैंड दलं पराजितमेव। एतेन विजयेन तावत् पाकिस्तान दलम् एतस्याः विश्व चषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्वसंप्रवेशस्य आशा उज्जीविता अस्ति। पाकिस्तान दलार्थं तावत् फकर जमान इत्यसौ 26,100 धावनांकान् सम्मर्ज्य स्पर्धापुरुषत्वेन अपि चितः जातः इति विशेषः। अपरत्र एतस्याः एव प्रतियोगितायाः द्वितीय स्पर्धायां ह्यः आस्ट्रेलिया दलेन इंग्लैंड दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। पूर्वं क्रीडता ऑस्ट्रेलिया दलेन इंग्लैंड दलं समक्षं विजयाय 87,200 धावनांक रूपं लक्ष्यं निर्धारितम् आसीत्। यदि प्रत्युत्तरे इंग्लैंड दलं 53,200 धावनांकान् एव निर्मातुं समर्थम् अभवत्। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवांकस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ता सम्पूर्णदेशात् मृत्तिकां समवाप्य अस्याः अमृतवाटिकायाः निर्माणं परिवर्धनं च जायमानमस्ति। पूरा शास्त्र ही विमान अभियंत्रिकी को लेकर के है। हाँ, जो हम पढ़ते हैं नॉटिकल इंजीनियरिंग में, फ्यूजलाज होता है, रडर होता है, एलिवेटर होता है, एरॉन्स होते हैं, ये सब ज्ञान जो है उस वैमानिक शास्त्र में बहुत ही डिटेल में पहले से ऑलरेडी दिया गया है। अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।